नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही सम्मान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त मिलते ही जल्दी ही विधानसभा का सत्र बुलाकर पूरे प्रदेश में एक सम्मान कानून लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामना संदेश के रूप में कही। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माण का एक पर्व है। हमारा यह विशिष्ट संविधान हमारे राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करता आ रहा है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। संविधान के अंतर्गत ही हम सभी की जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदेशों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण कर तिरंगे की सलामी दी। वहीं इसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को देश के प्रति दृढ़ता से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की शपथ भी दिलाई। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संयोग की है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए थीम रखी गई है और पिछले 9.5 साल के कालखंड में प्रधानमंत्री द्वारा हर कदम मातृशक्ति के लिए बढ़ाया गया है। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। इसलिए अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं जिनके कारण से आज भारत के अंदर अपना संविधान बना। लाखों करोड़ों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, उन शहीद हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबको नमन करते हुए देशवासियों को एक निष्ठ होकर, ध्येय निष्ठ होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत और आज जो दुनिया के अंदर भारत का चारों ओर एक डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है हर एक भारतवासी को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजनीति में होने का मतलब यह नहीं होता कि जो सच है उसे स्वीकार ना किया जाए। देश की आजादी के बाद कितने ही प्रधानमंत्री भारत को मिले, वे सभी योग्य थे, सबने अपने तरीके से देश की सेवा की। आजादी के बाद देश में कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई 100 वर्षों की लड़ाई, कई 100 वर्षों के संघर्ष और करोड़ों हिंदू जनमानस की भावनाओं का सामना करते हुए, सम्मान करते हुए तथ्यों के आधार पर एक फैसला दिया। लेकिन यदि देश में कोई सशक्त प्रधानमंत्री नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने एक साहस भरा काम किया है और मैं विपक्षी दल के साथ संबंध होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री का इस फैसले के लिए सराहना करता हूँ। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सच है उसे स्वीकार न किया जाए। देश की आज़ादी के बाद कितने ही प्रधानमंत्री भारत को मिले,
सब योग्य थे, सबने अपने अपने तरह से देश की सेवा की। कितनी ही पार्टियों की सरकार हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राम मंदिर तब बना जब देश को नरेंद्र मोदी के रूप में एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सौ वर्षों की लड़ाई, कई सौ वर्षों सदियों के संघर्ष और करोड़ों हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए तथ्यों के आधार पर एक फैसला दिया, लेकिन यदि देश में कोई सशक्त प्रधानमंत्री नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने एक साहस भरा काम किया और मैं उनके विपक्षी दल के साथ संबंध होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री का इस फैसले के लिए सराहना करता हूं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यानी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल शामिल हुए। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा संग सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज सभी कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों ने संविधान की सुरक्षा की शपथ ली है। बहुत खुशी का पर्व है और 75वें गणतंत्र दिवस के आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों ने संविधान की सुरक्षा की शपथ ली है और आज हम लोग 1 बजे भी एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, जिसमें हम संविधान की मूल आत्मा की बात कर रहे हैं और सभी लोगों को अवेयर करेंगे संविधान के प्रति, और जो संविधान को खतरा इस समय देश में दिखाई दे रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हम अपना जीवन अर्पित करने के आज सब। राजधानी देहरादून के राजभवन में सूबे के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। वहीं इस दौरान बैंड द्वारा राष्ट्रीय गान बजाया गया, साथ ही राज्यपाल ने सुरक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए मार्च भी किया। इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे तमाम सुरक्षा कर्मियों को नमन करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गणतंत्र दिवस और अमृत काल हमें एक संकल्प के लिए प्रेरित करता है, कैसे हम खुद को विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित बनाएं। जय हिंद। आज के इस शुभ और गर्व के दिवस में मैं पूरे भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को आज के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारत संविधान के प्रेरणता बाबा अंबेडकर साहब, महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, देश की सुरक्षा में तैनात सभी हमारे सैनिक जो इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं, सभी सुरक्षा एजेंसी के जवान, इन सब को मैं सलूट करता हूं। देश की रक्षा में जो शहीद हुए उन वीर जवानों को मैं नमन और श्रद्धांजलि पेश करता हूं। ये आज का जो दिन है सचमुच बहुत स्पेशल है। 75 वर्ष और ये हमको अमृत काल
और आज एक संकल्प के लिए हमको प्रेरित करता है कि हम किस प्रकार अपना संकल्प बनाए विकसित राष्ट्र के लिए और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के लिए। G20 की जो 3 मीटिंग यहाँ और देश ने अध्यक्षता की थी उसके अंदर में एक भविष्य के लिए रोड मैप बनाया गया जिसमें एक विश्व एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत को बताया गया। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 की जो उपलब्धियां हैं भारत की और उत्तराखंड की वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। G20 की अध्यक्षता, वसुदेव कुटुंबकम का सोच विचार और धारणा, चंद्रयान 3 का दक्षिणी ध्रुव में उतरना, 5G का रोल आउट, डिजिटल पेमेंट का ट्रांसैक्शन, सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट की डील और एशियन गेम के अंदर में 100 से अधिक मेडल लेना हमको अलग ही स्तर पर ले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देश के 75वें गणतंत्र दिवस की देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग सूबे के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई जिसके बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ पूरा परेड ग्राउंड गूंज उठा। वहीं कार्यक्रम के चलते सुरक्षा बलों की परेड के साथ विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया जिसमें सूचना विभाग को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो वहीं ग्राम्य विकास विभाग को दूसरा स्थान और वन विभाग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं इसके साथ रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए पूरा माहौल प्रफुल्लित हो उठा जिसके साथ सुरक्षा बलों द्वारा भी विशेष प्रस्तुति दी गई। पिछहत्तरवा गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है, ठीक उसी तरह राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भी यहां पर सभी लोग हर्षोल्लास के माहौल में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी यहां पर कुछ ही देर पहले यहाँ परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का यहाँ पर समापन हुआ है और इस वक्त यहाँ पर जो समारोह हुआ था उसकी समाप्ति हो चुकी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हुए थे। ठीक मेरे अगर बाई तरफ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर जो ठीक मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने यहाँ पर भांगड़ा की प्रस्तुति दी थी जो पंजाब का लोक नृत्य है। और ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी भले ही यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हो चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, चाहे वो देहरादून की जनता हो, चाहे वो जितने भी प्रस्तुति करने वाले लोग हों, चाहे वो उसके साथ सुरक्षा बल के लोग हों जब उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ पर एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आपको 26 जनवरी के मौके पर आज आपने यहाँ पे प्रस्तुति दी? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर इधर आके। सर हम पंजाब जलंधर से आए हैं। सर क्या नाम है आपके ग्रुप का? सर
एनबी न्यूज। फिलहाल मेरे साथ अपने उत्तराखंड में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।